वेलकम टू ईशानी वीडियोस। भाग्यलक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि अब यहाँ पर सबसे ज्यादा खुश होते हुए नजर आने वाली है मलिष्का। ऋषि लक्ष्मी से दूर जाते हुए अपने आप को देखकर काफी ज्यादा यहाँ पर असहाय महसूस करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर लक्ष्मी के सामने दोराह आकर एक बार फिर से खड़ी हो जाएगी। यहाँ पर विक्रांत को बार बार उसकी गर्लफ्रेंड कॉल करके परेशान कर रही होगी, लेकिन क्या होगा विक्रांत का यहाँ पर अगला कदम? क्या यहाँ पर वो यहाँ पर ये एंगेजमेंट तोड़कर अपने आप की गर्लफ्रेंड को पहले अपनाएगा, या फिर यहाँ पर वो लक्ष्मी को अपना कर आगे बढ़ते चला जाएगा? क्या होगा यहाँ पर मलिष्का का रिएक्शन जब वो यहाँ पर देखेगी कि ऋषि होश में वापस आ चुका है? और उसके साथ साथ आने वाले एपिसोड में करिश्मा का प्लान फ्लॉप होते नजर आएगा। बहुत कुछ खास होने वाला है। चलिए सारी बातें आपको बताते हैं एक एक करके इस वीडियो के अंदर। उसे बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करके ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट लाते रहते हैं। आप में से कई लोग सिर्फ वीडियोस देखकर चले जाते हैं। अगर आप एक लाइक करेंगे हमें एप्रिसिएशन मिलते रहेगी और हम आपको हमेशा ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहेंगे। सबसे पहले आप सबको देखने को मिलने वाला है कि अब यहां पर काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रही है कोई और नहीं बल्कि यहां पर लक्ष्मी और उसके साथ साथ यहां पर ऋषि। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत के पास में लगातार कॉल आए जा रहे हैं उसकी गर्लफ्रेंड के, जो कि उसकी भाभी के ही कॉल्स हैं। लेकिन आने वाले एपिसोड में यहां पर विक्रांत को एक फैसला लेना पड़ेगा कि वो लक्ष्मी को चुनेगा या फिर अपनी यहाँ पर गर्लफ्रेंड को। अब आखिर में उसके ऊपर फैसला है और यहीं पर उसका ये फैसला सबसे ज्यादा बड़ा होने वाला है। और आने वाले एपिसोड में यहाँ पर सबसे बड़ी सच्चाई आने वाली है किसी और के सामने नहीं बल्कि यहाँ पर ऋषि के सामने, जो कि यहाँ पर सुनकर सबसे ज्यादा यहाँ पर चौंकने वाला है ऋषि और यहाँ पर लक्ष्मी और विक्रांत की सगाई को बीच में ही रोकने वाला है। लेकिन क्या ऋषि यहाँ पर कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और बात कर लेते हैं एक और सबसे बेहतरीन ट्विस्ट की। अब यहाँ पर ऋषि और लक्ष्मी दोनों एक ही कमरे में बंद होने वाले हैं, जहां पर गलतफहमी की वजह से अब यहां पर ऋषि और लक्ष्मी के बीच में नजदीकियां भी बढ़ेंगी और उसके साथ साथ यहां पर ऋषि बेहोशी की हालत में लक्ष्मी को शादी और यहां पर ये एंगेजमेंट करने से मना करेगा। लेकिन क्या लक्ष्मी उसकी बात मानेगी या फिर यहां पर वो ऋषि को होश में लाने की कोशिश करेगी? लेकिन अगर ऋषि होश में आ गया तो आयुष और शालू की तरफ से बनाए गए जो तीन प्लान है उनमें से एक प्लान कामयाब होते नजर आएगा और ऋषि को तभी सच्चाई पता चलेगी। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले एपिसोड देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।